नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको ऑटोमोबाइल ज्ञान के इस न्यूज सेशन में। दोस्तों सबसे पहले न्यूज निकल के आती है टीवीएस की तरफ से। सभी लोग गेस कर रहे थे कि टीवीएस जो है 23 अगस्त को यानी कि आज अपना आईक्यूब स्कूटर लॉन्च करने वाला है जो कि एक हाइब्रिड इलेक्ट्रिक स्कूटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीवीएस ने इसके बदले में लॉन्च की एक बाइक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस बाइक के बारे में। इस बाइक का नाम है टीवीएस रेडियन। लुक्स की बात करें तो काफी सिंपल सा लुक है इस बाइक का। बात करें इसके इंजन की तो इसमें वही इंजन यूज हुआ है जो टीवीएस स्टार सिटी प्लस में यूज हुआ है जो कि 110 सीसी का है। इस इंजन से आपके बाइक को 8.3 bhp की पावर 7000 rpm पे और 8.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क 5000 rpm पे मिलता है। बात करें इसके माइलेज की तो 69.3 kmpl का माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है। अब रहते रहते आपको 60 तक का माइलेज मिल जाएगा। दोस्तों इस बाइक को पहली बार टीवीएस ने 2012 के ऑटो एक्सपो में शो किया था। बात करें इसके प्राइस की तो इसका प्राइस 48,400 रुपीज है जो कि इसका एक्स शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली में है। दोस्तों मेरे हिसाब से प्राइस जस्टिफाइड है, काफी कम है बात करें 110 सीसी की बाइक के लिए। तो दोस्तों दूसरी न्यूज है रेनो क्विड के इलेक्ट्रिक वेरिएंट के लिए। रेनो क्विड आप जानते हैं बहुत ही फेमस कार है। कुछ दिन पहले मैंने इसका क्रैश टेस्ट का एक वीडियो भी आपको दिखाया था, अगर आपने देखा हो नहीं देखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं जाकर वो वीडियो। माना जा रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक वेरिएंट इंडिया में 2020 तक आ जाएगा, 2020 के शुरुआती मंथ्स में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में आप कह सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का मानना है कि इसे चाइना में डेवलप किया जा रहा है। हालांकि इस बात पर उनके सीईओ से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर चाइना में आ जाएगा अगले कुछ दिनों में यानी कि 2019 तक, तो इंडिया में इसे लाने में ज़्यादा देरी नहीं करेंगे हम। उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की कि इसका जो है कोई डेवलपमेंट चल रहा है अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक वेरिएंट का, लेकिन ये सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आई है। अगर बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की, इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 6 लाख रुपए हो सकता है। अगर बात करेंगे इसके कॉम्पिटिटर्स की तो महिंद्रा की E20 और मारुति की अपकमिंग जो वैगनआर ईवी है और टाटा की टियागो ईवी, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर्स होंगे मार्केट में। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो बजाज की प्लेटिना के लिए है। बजाज प्लेटिना का 125 सीसी वाला वेरिएंट मार्केट में आने वाला है। इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है और माना जा रहा है कि इसमें डिस्कवर 125 वाला इंजन ही यूज हुआ है। तो अगर मान लें कि इसमें डिस्कवर 125 वाला इंजन यूज हुआ है तो इसमें आपको 11 bhp की पावर, 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क और एक 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा। प्राइस अगर एक्सपेक्टेड बात करें तो माना जा रहा है कि 52,000 रुपीज होगा इसका एक्स शोरूम प्राइस। अब अगर सच में इतना प्राइस हुआ तो 125 सीसी की बाइक के हिसाब से बहुत ही कम प्राइस है, जस्टिफाइड भी है प्लेटिना के लिए, क्योंकि प्लेटिना आप देखेंगे सिटीज में आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। इंडिया के जो विलेज एरियाज हैं वहां पे प्लेटिना ज्यादा देखने को मिलती है। इवन मैं कह सकता हूं कि बहुत ही फेमस बाइक है वहां के लिए। अभी जो खबरें निकल के आई हैं उसके हिसाब से ये आपके लिए दो कलर्स में अवेलेबल होगी, इबोनी ब्लैक और कॉकटेल वाइन रेड। आप कह सकते हैं इन जनरल की ब्लैक और रेड कलर में आपको ये बाइक मिल जाएगी। अब इसके लॉन्च की बात की जाए तो माना जा रहा है कि दिवाली के आसपास इसे बजाज के द्वारा लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों अगली न्यूज है केरला के फ्लड से रिलेटेड। आप जानते हैं कि केरला में बहुत ही भयानक बाढ़ आई हुई है। पिछले कुछ दिनों में आपने न्यूज़ पे बहुत कुछ देखा होगा इसके बारे में और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत से लोगों ने अच्छा खासा डोनेशन भी दिया है। हमारी YouTube फैमिली में भी बहुत लोगों ने डोनेशन दिया है। अब बात करते हैं कि हमारी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने क्या किया है केरला के लिए। केरला के लिए मर्सिडीज बेंज ने दिए हैं 30 लाख रुपीज। इसके अलावा टीवीएस मोटर्स ने दिए हैं 1 करोड़ रुपीज और बजाज ऑटो ने डोनेट किए हैं 2 करोड़ रुपीज। दोस्तों ये तो होगी डायरेक्ट डोनेशन की बात। इसके अलावा बहुत सी कंपनीज ने लाइक BMW, निसान, Volkswagen, सभी ने अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ सर्विसेज दी हैं। कुछ ने अपनी गाड़ी की फ्री सर्विस के लिए बोला है, कुछ ने कहा है कि अगर आपकी गाड़ी जो है कहीं फंस गई है, ऐसी जगह पे पड़ी हुई है, तो वो उसको उठा के बाहर निकालने में आपकी मदद करेंगे। सारी कंपनीज अब बात कर सकते हैं कि आगे आई हैं लगभग। दोस्तों यही थी आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। अगर आपको भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई लेटेस्ट न्यूज पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऑटोमोबाइल की दुनिया से जुड़ी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे ट्विटर पेज को फॉलो करें। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।